नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रीवा में हैंडबॉल प्रीमियर लीग का आयोजन, सातवां संस्करण आगामी 12 जनवरी से 15 जनवरी 2023 तक मार्तंड क्रमांक 1 के हैंडबॉल मैदान पर आयोजित होगा। इस आयोजन में पूरे प्रदेश महामध्य प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी होंगे शामिल, जिसमें 100 बालक और बालिकाओं के साथ ही 50 ऑफिशियल लोग होंगे। हैंडबॉल संघ व ओलंपिक संघ के संयुक्त तत्वाधान में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें हैंडबॉल संघ के सचिव वीरेंद्र शुक्ला ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि ये प्रतियोगिता 8 टीमों के बालक बालिका के ग्रुप में खेली जाएगी, जिसका आधार प्रीमियर लीग होगा। ये प्रतियोगिता पिछले 7 वर्षों से स्तर की आयोजित की जा रही है। पत्रकार वार्ता में संभागीय क्रीड़ा अधिकारी आईपी तिवारी, जिला क्रीड़ा अधिकारी उपेंद्र द्विवेदी, जिला ओलंपिक संघ रीवा एवं हैंडबॉल संघ के अध्यक्ष वेदांत मिश्रा, हैंडबॉल एवं ओलंपिक संघ के सचिव वीरेंद्र शुक्ला और कोषाध्यक्ष मनिंद्र मिश्रा व समाजसेवी सिद्धार्थ श्रीवास्तव उपस्थित रहे। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। प्रतियोगिता पिछले 7 सालों से हम लोग कर रहे हैं, ये 7वां संस्करण है। इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के 19 जिलों के बालक बालिका आ रहे हैं। लगभग 200 बच्चे प्रतियोगी इसमें भाग लेंगे, 50 के आसपास इसमें अधिकारीगण भाग लेंगे, जो मैच रेफरीज इस तरह से कोचेज वगैरह रहेंगे। और हमारा ये इसका उद्देश्य ये है कि हैंडबॉल को हम ऊँचे अगले बड़े स्टेज पर लेके जाएं, क्योंकि ये विश्व का सबसे दूसरा ऐसा खेल है, तेज खेले जाने वाला खेल है, काफ़ी फास्ट खेला जाता है और जानकारी अभी तक बहुत कम लोगों में पहुंच पाती है, क्योंकि अभी तक ये गांव एक अगडाल है, उसका मैं भी रहने वाला हूं और हमारे सर हैं वहां पे, अभी भी छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पर प्रशिक्षण देते हैं। हैंडबॉल प्रीमियर लीग से फ़ायदा ये हुआ है कि अभी हाल ही में संपन्न हुई साले स्कूल प्रतियोगिताओं में 14 वर्ष की प्रतियोगिता हुई, जिसमें हम फाइनल में पहुंचे, और 19 वर्ष की प्रतियोगिता हुई सुजालपुर में, उज्जैन में, तो वहां भी हम फाइनल पहुंचे। एक और उद्देश्य है कि हैंडबॉल के खिलाड़ियों को हम बड़े लेवल पर लेकर जाएँ और हैंडबॉल नेशनल खेलें, इंडिया से खेलें। और इसके लिए जो मध्य प्रदेश हैंडबॉल संघ है वो ऑब्जर्वर भी भेज रहा है कि यहाँ से जो बेहतरीन खिलाड़ी होंगे उनको चुनकर अभी हाल ही में आगामी महीनों में संपन्न हो रही है प्रतियोगिता, एशियाड हो रहा है चाइना में, तो उस पर यहाँ से कुछ खिलाड़ी सेलेक्ट किए जाएं और वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करें हमारे रीवा से, हमारा एक मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा उद्देश्य ये भी हम रखते आए हैं कई वर्षों में हमने रखा हुआ है कि जो हमारी बालिकाएं हैं, बालिकाओं को हम मजबूत बनाएं और बालिकाओं की टीम को भी हम प्रमोट करें, तो ये हमारा उद्देश्य है। और नशे से दूर रखना हमारा युवाओं को, जो यदि हम खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी खेल से यदि जुड़ता है तो ज़रूर इन चीज़ों को दूर रखता है और एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाता है, तो ये सारे हमारे उद्देश्य रखे गए हैं इस प्रतियोगिता के।